मध्य प्रदेश की खरगोन शहर में कुंदा नदी के तट पर स्थित है सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर। यह भारत का एकलौता नवग्रह मंदिर है जो ज्योतिष शास्त्र के पूर्ण पैरामीटर और गणित ज्ञान के हिसाब से बना हुआ है। करीब 300 साल पुराने इस मंदिर की संरचना भी मानव जीवन पर आधारित की गई है। और कब मंदिर का निर्माण कराया, किस तरह से मंदिर की बनावट है, क्या कुछ मंदिर में खास है, क्या मान्यताएं हैं, सब कुछ मंदिर के पुजारी आचार्य लोकेश जागीरदार बताएंगे। बने रहें आगे इसी खबर के साथ। देखिए, यह सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर है जो कि ज्योतिष के पूर्ण जो भी पैरामीटर्स होते हैं, गणित ज्ञान होता है, उसके हिसाब से बनाए। हमारे पूर्वज थे शेषप्पा जी, जो देशार्थन पर निकले थे और उनको बगलामुखी का स्वप्न दृष्टांत हुआ था, तो उनकी आज्ञा से उन्होंने यहाँ पर नवग्रह मंदिर की स्थापना की थी। लगभग 300 साल से ज़्यादा प्राचीन यह मंदिर है। मंदिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करावंतु, इस मंत्र के आधार पर बना हुआ है। सबसे पहले जैसे दर्शन प्रारंभ होता है तो 7 सीढ़ी हमको चढ़ना होती है जो 7 वार का प्रतीक है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में यहाँ पर माँ सरस्वती, भगवान श्री राम का दरबार और पंचमुखी महादेव विराजमान है। त्रिदेवों के दर्शन के पश्चात हमको 12 सीढ़ियाँ गर्भगृह में उतरना पड़ती है जो 12 महीने का प्रतीक मानी गई है, और यह 12 सीढ़ियाँ गर्भगृह में जाने के बाद में ही हमें नवग्रह के दर्शन प्रारंभ होते हैं। सभी मूर्तियाँ और मंदिर की संरचना दक्षिण भारतीय शैली में बनी हुई है। एक्चुअल नवग्रह मंदिर है क्योंकि सूर्य का जो मूर्ति है यहाँ पर बीच में है और उसके अनुसार ही उसके सामने शनि की और उनके दाई और गुरु और लेफ्ट साइड में मंगल ग्रह की मूर्ति विराजमान है। पूरा ज्योतिष के चक्र के अनुसार सभी ग्रहों के वाहन, उनका मंडल, मंडल का अर्थ होता है सिंबल ऑफ प्लैनेट्स, भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। गर्भगृह में नवग्रह के दर्शन करते हुए यहाँ पर लगभग सामान्य धरातल से 20 फीट नीचे यह मंदिर है जहाँ पर सूर्य की किरण का आगमन भी होता है। जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर किरण उत्सव का आयोजन किया जाता है जो कि सूर्य रथ पर यह किरण सुबह के समय गमन करती है। जैसे ही नवग्रह का दर्शन होता है वहाँ से हम 12 सीढ़ी दूसरी ओर से वापस आते हैं जो 12 राशि का प्रतीक है। कुल मिलाकर हमारा जीवन 7 वार, 12 महीने, नवग्रह और 12 राशि में है और इसी आधार पर यह मंदिर की संरचना की गई है। प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सूर्य की किरण आती है। इसके अलावा नदी के किनारे पर यहाँ पर सूर्य कुंड बना हुआ है, सूर्य चक्र है, सरस्वती कुंड है जो उसी समय तीर्थ यात्रा के अनुसार बनाया गया था जहाँ पर लोग स्नान करके मंदिर में दर्शन और पूजन करते थे। भारतवर्ष का एकमात्र मंदिर है क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ नवग्रह की संरचना के अनुसार बनाया गया है। कोई शास्त्र पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है? पुराणों के अनुसार इस मंदिर का जिक्र नहीं है, लेकिन नवग्रह की जो संरचना है उसका हमें ज्योतिष के ग्रंथों में और पुराण में जो उल्लेख मिलता है उसी के अनुसार यह मंदिर है। क्योंकि सामान्यतः हम और कहीं पर नवग्रह मंदिर देखते हैं तो वो एक्चुअल शनि मंदिर होते हैं क्योंकि शनि की मूर्ति वहाँ पर बीच में होती है। यह शास्त्र के अनुसार बनाया हुआ पूर्णतः एकमात्र मंदिर है। और किस तरह के यहाँ पर आयोजन होते हैं? सूर्य प्रधान मंदिर है, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा उत्सव यहाँ पर होता है। सूर्य की आगवानी का महापर्व है, सूर्य के स्वागत का, अभिनंदन का महापर्व है और इस दिन पूरे प्रदेश भर से लाखों दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर प्रथम किरण सूर्य को अर्घ्य देकर यहाँ पर स्थापित मूर्ति के दर्शन और पूजन का विधान है जिससे वर्ष भर के लिए नवग्रह दोष की शांति होती है। इसी समय के आसपास नवग्रह की यात्रा का आयोजन किया जाता है, नवग्रह मेला, जो लगभग 1887 से लगातार चलते आ रहा है। मान्यता में यदि हम देखें तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या जरूर है और वह समस्या किसी न किसी ग्रह से संबंधित जरूर होती है। सामान्यतः हम घर पर कोई उपाय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह मंदिर अपने आप में इतनी एनर्जी वाला है क्योंकि गर्भगृह में होने के कारण नवग्रह की एनर्जी यहाँ पर हमें सीधी प्राप्त होती है। जो भी समस्या है उस ग्रह के प्रत्यर्थ यहाँ पर दान किया जाता है, वह दान की पोटली चढ़ाने से उस ग्रह से संबंधित हमें पॉजिटिव एनर्जी तुरंत मिलती है और हमारी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्यूशन दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर लोग दान करते हैं और तुरंत अपने समस्या का समाधान करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है और यह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसे नवग्रह लोक कहा जाता है, जिसका यहाँ पर शिलान्यास वगैरह भी हो रहा है और लगभग यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर और भव्य स्वरूप में इसका हमें वर्णन सुनने में आ रहा है। आचार्य लोकेश जागीरदार, दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।